जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे फ्यूचर टेंस। इससे पहले प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस को समझ चुके हैं हम लोग। आज हम लोग फ्यूचर टेंस को देखेंगे। तो इसके भी कुल चार टाइप होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर पर टेंस का हम भलीभांति जानते हैं इसके कि जो होने वाला है या जो हम करेंगे, भविष्य की बात है, तो ये भविष्य में घटने वाली क्रिया होती है। तो जैसे कि हम सबसे पहला देखें सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस जो हो जाएगा, तो ये जो कार्य जो हम भविष्य में करने वाले हैं लेकिन सामान्य रूप से, जिसमें कोई चीज भी स्पेशल नहीं, तो सामान्य रूप से या जनरली हम जो भी कार्य भविष्य में करने वाले हैं वो जो सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं खाऊंगा, मैं पहनूंगा, मैं जाऊंगा, तो ये सब जो है सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, आई शैल गो टू दिल्ली, तो मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये जो एक सिंपल या जनरली चीज़ है या जनरली सेंटेंस है जो सामान्य रूप से जो बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं या मैं भी जाऊँगा। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हमें समझना है सिंपल फ्यूचर टेंस का। शैल सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ये इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो शैल विल को समझना, तो शैल विल जो है आई और वी, आई और वी के साथ जो है शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी जो यू और थर्ड पर्सन ही सी इट नेम नेम दे ये सब के साथ जो है ये थर्ड पर्सन के साथ जो है विल लगता है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। हम समझ गए सेल कहां पर लगा, सेल जो है फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगेगा, यू सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जो है हम विल का प्रयोग करेंगे। ये अफर्मेटिव है। अगर हम अब इसको अगर हमको निगेटिव बनाना होगा तो हम भली बातें जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का सिर्फ यूज कर देंगे तो वो जो निगेटिव बन जाएगा। इसका जो निगेटिव सेंटेंस होगा सिंपल फ्यूचर टेंस का, ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अब अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले कर देंगे, तो ये हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। बाकी जो बचेगा सीरियली वाइज वो पाछे रहेगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे करना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ये हो जाता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब जो डब्ल्यू एच वर्ड के लिए भी हो जाएगा, जो ये जो है जैसा कि हमने जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा हमने लिखा था, तो उसके पहले सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देना है, तो वो डब्ल्यू एच वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। तो वो हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो इस तरह से अगर हम एक स्ट्रक्चर को याद रखें तो हम बाकी स्ट्रक्चर खुद ब खुद जो है तैयार कर सकते हैं, हमें जो रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसी तरह आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें समझ गए कि सामान्य रूप से जो कार्य भविष्य में करने वाले हैं या भविष्य में होने वाला, लेकिन इसमें जो भविष्य में जो कार्य होगा लेकिन वो लगातार जारी रहेगा कुछ समय तक, लेकिन समय निश्चित नहीं रहेगा, जारी रहेगा कुछ समय तक जारी रहेगा लेकिन समय निश्चित नहीं, मतलब अनिश्चित समय के लिए जारी रहेगा। तो वैसा कार्य या वैसा टेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है जो भविष्य में की निश्चित अनिश्चित समय के लिए जारी रहेगा। जैसे आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा या मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तो इस दोनों सेंटेंस में ये नहीं बताया गया कि हम कब तक तुम्हारा इंतजार करेंगे, इसलिए जो यहाँ पर समय निश्चित नहीं, अनिश्चित समय हो सकता है हम एक घंटा तुम्हारे लिए इंतजार करें या दो घंटे तुम्हारे लिए करें या दिन भर या साल भर। तो इसलिए जो इसमें समय अनिश्चित है, इसलिए ये सेंटेंस जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा जिसमें कि अनिश्चित समय के लिए लगातार जारी रहने वाले कार्य वाले सेंटेंस आते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ हम सिर्फ बी जोड़ देंगे, उसके बाद जो वी वन के जगह यहाँ पर वी फोर हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अब अगर हम इसका निगेटिव बनाना चाहें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट जोड़ देंगे, तो ये जो निगेटिव बन जाएगा कि सब्जेक्ट शैल या विल बी नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पर शैल या विल को आगे कर देंगे तो निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरह से जो हम छह स्ट्रक्चर फिर जो इसका जिस हम यहाँ पर तैयार किए, तो उसी तरह से ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है ये परफेक्ट, यहाँ पर देखिए परफेक्ट करा एकदम निश्चित फिक्स, तो वैसा सेंटेंस जो कि भविष्य में होने वाले कार्य को दर्शाता हो लेकिन निश्चित समय के लिए,
निश्चित समय के लिए भविष्य में होने वाले कार्य को दर्शाने वाले टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं या फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे मैं तुम्हारा इंतजार जो है शाम तक करूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार शाम तक करूंगा, तो यहाँ पर इंतजार में जो दिया गया है कब तक इंतजार करेंगे, तो शाम तक टेंस, यहाँ पर समय निश्चित है, इसलिए ये जो टेंस आ जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। तो जैसे आई शैल हैव कम बैक बाय द इवनिंग, मैं शाम तक लौट आऊंगा, आई शैल हैव कम बैक बाय द इवनिंग, मैं शाम तक लौट आऊंगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो इसका जो हम बाकी पांच स्ट्रक्चर जो जैसे बताए गए अनुसार जो हम तैयार कर सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हमें सिर्फ नॉट लगाना। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कि इसमें जो है खास समय के लिए जारी रहता है लेकिन किसी खास समय के लिए, यहाँ पर सिर्फ जारी रहता था, कोई समय निश्चित नहीं था, लेकिन यहाँ पर जारी रहेगा लेकिन कुछ खास समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए। जैसे कहा जाता है आई शैल हैव बीन डूइंग इट फॉर 5 आवर्स, इसमें जो हमें जो 5 आवर मतलब हम पाँच घंटे के लिए जो कोई भी कार्य करेंगे, हम जो 5 घंटे के लिए कोई भी कार्य करेंगे या कोई भी कार्य करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो ये जो सेंटेंस आ जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि हम 5 घंटे लिए कोई कार्य करेंगे, मतलब हम 5 घंटे तक कार्य करते रहेंगे, लगातार जारी रहेंगे हम 5 घंटे तक, तो ये निश्चित समय के लिए जारी रहेंगे हम जो है 5 घंटे के लिए। तो यहाँ पर जो निश्चित समय के लिए अगर कोई कार्य भविष्य में जारी रहने वाली है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है। इसका जो एफर्मेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4 या ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो इस तरह से जो हम इसका बाकी 6 स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हैं, और जो इस हमें बस एक ही स्ट्रक्चर याद रखना होता है, बाकी का जो फ्यूचर टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, बाकी का हम 6-6 करके जो है हम खुद से तैयार कर सकते हैं, लेकिन सबका एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो हमें कम से कम जो एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो या WH वर्ड नेगेटिव हो या WH वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो हम जो क्वेश्चन खुद ब खुद या स्ट्रक्चर हम तैयार कर सकते हैं, हमें जो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।